नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण जाधव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जय श्री वाला गुरु जी में। आज इस मशीन का क्या क्या करेंगे, वहां पे सब कुछ मटेरियल है, चलो एक बार दिखा ही लेता हूं आप। इस मशीन का सर्विस करने वाले तो ये इंजन ऑयल है, इसका प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे 5,235 रुपये। फिर ये एक्सीलेटर केबल भी चेंज करना है, लोकल केबल है, ये कंपनी का नहीं है, ना रिद्धि सिद्धि का है, ना ही रोबोट का है, ना ही एचपी का है। और फिर इसमें एयर फिल्टर है, डीजल फिल्टर, इंजन ऑयल फिल्टर, दो डीजल फिल्टर प्राइमरी सेकेंडरी, इसमें इंजन ऑयल फिल्टर, ये इसमें स्पेशल ATF, ये ब्रांड है, ये ट्रांसमिशन ऑयल है, ये थोड़ा अलग ब्रांड है, अभी ये कस्टमर ने खुद लाया है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। बाकी सब इसमें कुछ मटेरियल है, इसमें ट्रांसमिशन फिल्टर है, ये ट्रांसमिशन स्ट्रेनर होगा शायद, ये ट्रांसमिशन का स्ट्रेनर है, और ये है HP का। बस इतना ही करने वाले आज के वीडियो में। ये इंजन ऑयल छोड़ा इधर से, ये देख सकते, ट्रांसमिशन भी छोड़ना है, इसमें छोड़ेंगे। कुछ मॉडल में इधर है ना केज आता है, यहाँ से आप कूलन लेवल देख सकते हो, वो नए मॉडल में, इस मॉडल में नहीं है, क्योंकि ये मॉडल है, कब का ये मॉडल देखेंगे, थोड़ा यहाँ से आपको दिखेगा, ये 2015 का मॉडल है, 16, 17, 18 के मॉडल में इसमें भी गेज आता है, जिसमें कूलेंट लेवल हम देख सकते हैं, तो वो अच्छी बात है। ये प्राइमरी डीजल फिल्टर है, इसमें ग्लास रहते हैं नीचे, लेकिन इस फिल्टर में नहीं है, तो चलता है कभी कभी, लेकिन पानी का लेवल आप यहाँ से नहीं देख सकते, अगर कभी ख़राब हो जाता है तो ऐसा लगा सकते हैं आप जैसे इसमें लगाया है। और दूसरा बात, हर फिल्टर जो जैसी भी पैकिंग में आता है वो ओरिजिनल नहीं होता है, ठीक है, ये देखो लगने में तो ओरिजिनल लगेगा आपको, जेन्युइन, लेकिन नहीं है, इस पर आप पहचान सकते हो फिनिशिंग पे, ये अलग है, ये जेन्युइन ही और ये नहीं है, पहचानना बहुत मुश्किल है, मालिक ने लाया तो चेंज करना पड़ेगा। ट्रांसमिशन ऑयल छोड़ दिया है उसमें, ये इंजन ऑयल भी अभी लगाएंगे ड्रेन प्लग, तब तक थोड़ा पंप मारो ना, ये भरेगा पहले और उसके बाद उधर जाएगा, फिर इसमें आएगा, ये सेकेंडरी, वो प्राइमरी, ओरिजिनल लगता है कि फिल्टर, लेकिन आसानी से सेम दिखता है ना, फंस सकता है आदमी, मतलब अब हमें डेली का पता होता है इसके लिए ठीक है, नया बंदा फंस सकता है ना, दिखने में सब कुछ सेम है, ये पुराना वाला है, पुराना भी डुप्लीकेट ही है, लेकिन हो रहा है क्या पंप? ना पंप हो रहा, जाम जा रहा है क्या? स्लो है, स्लो है, हाँ
तो फाइनली हम इसका अभी एयर फिल्टर रिप्लेस करेंगे, पुराना निकाला है। इसे सेफ्टी एलिमेंट बोलते हैं, या एयर फिल्टर इनर भी बोल सकते आप, और दूसरे को आउटर बोल सकते। ये एक बार डस्ट को अच्छी तरह से क्लीन करना है, कभी भी आप जब भी कभी फिल्टर रिप्लेस करोगे उस टाइम पे तो थोड़ा ठीक रहता है, जितना क्लीनिंग करोगे उतना अच्छा है। और सर्विस किया है ऐसा भी लगता है अगर हमारा क्लीनिंग प्रॉपर है तो। और ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा एयर फिल्टर इनर, इसे इस तरह से लगाते हैं। हालांकि ये लोकल है, अल्टरनेटिव है, ये जेन्युइन नहीं है। इस तरीके का आपको 800, 900, 1000, 1200 अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट होते हैं। एचपी का मिलता है, रोबोट का मिलता है, रिद्धि सिद्धि का मिलता है, बहुत सारी अलग अलग कंपनियों का एयर फिल्टर मिलता है। और जेसीबी का कंपनी का लेते हैं तो लगभग 2400 रुपये उसकी प्राइस है। तो ये एयर फिल्टर की क्या आपको अच्छी तरह से लगाएंगे, और जब उस तरफ से मैं चाहूँगा तो वो होज भी बिठाना पड़ेगा साइलेंसर के वहाँ पे। ये चेतावनी आपको हर बार पढ़नी चाहिए, एयर फिल्टर के इंडिकेशन का बताते हैं उधर। और ये देख सकते हैं इंजन ऑयल डालने को स्टार्ट है यहाँ पे। तो इंजन ऑयल हम कभी भी पूरा की पूरा डालते हैं 15 लीटर। ये इंजन ऑयल फिल्टर को कस लेते हैं एक बार अच्छी तरह से। कभी कभी आपके पास फिल्टर पाना नहीं है तब भी आपको जितना हो सके उतना हाथ से कसना चाहिए। अब ट्रांसमिशन ऑयल डाला जा रहा है। ट्रांसमिशन आप 10, 12, 12.5 लीटर तक डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका मॉडल 2021 के पहले वाला जेसीबी 3DX है तो जब आप रिप्लेस करोगे इसका सर्विसिंग लगभग डन हो चुका है। ये दोनों भाई ऑपरेटर भाई है दोनों के दोनों। तो अभी इसमें ना इसमें एक क्या हो रहा है, डीजल कम गिरा है, इसके लिए सिर्फ इसका एयर निकालना बाकी, नहीं तो इधर का फिल्टर हो चुका है। ये पुराने कुछ फिल्टर है ये देख लो। फिर ये इंजन ऑयल फिल्टर भी हो चुका है, अभी सिर्फ ये भी भरना बाकी है। डीजल कम था, डीजल लाने का ये है। एयर फिल्टर भी हो चुका है इसका, ऑयल भी डाला है, ट्रांसमिशन भी ऑयल डाला है। नीचे का दिखाता हूँ एक बार, नीचे क्या क्या किया है। तो यहाँ का भी स्टेनर चेंज किया है, ट्रांसमिशन का ट्रांसमिशन ऑयल फिल्टर चेंज किया है। तो अब इतना इंजन ऑयल और ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करने में लगभग खर्चा कितना आता है वो देखेंगे, जितना आज के मशीन में किया है। इंजन ऑयल में 5000 रुपये लगेगा, 5200 रुपये। उसमें ट्रांसमिशन ऑयल लगभग 3-3.5 हज़ार का आता है, 5 और 3.5, 8.5 हज़ार रुपये। और जो ये फिल्टर है, अभी ये फिल्टर लोकल है, दिखने में जेन्युइन लगेगी आपको लेकिन नहीं है, तो 3000 के फिल्टर आ चुके हैं। और जो एयर फिल्टर है वो लगभग 1000 रुपये का, फिल्टर 4000 रुपये के, और वो 8-8.5 हज़ार रुपये मतलब, और सर्विस चार्ज। तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप, दोनों ऑयल 8000, फिल्टर 4000, 12000 हो गया, और जो सर्विस चार्ज हो गया इंजीनियर का वो बस इतना खर्चा आता है। ये छोटे से मशीन मालिक, तो इतना खर्चा आता है ये सब काम करने में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।